गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल इंटरनेट के क्वेश्चंस कुछ हमने कराए थे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बेसिक हैं एकदम से कंप्यूटर डिक्शनरी में जो सी डी वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है उसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है दैट कैन रिकॉर्ड स्टोर एंड प्ले बैक ऑडियो वीडियो इन अदर डाटा इन डिजिटल फॉर्म तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर मैग्नेटिक टेप प्रिंटर असेंबलर सी आर टी तो असेंबलर जो है ये एक हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर है दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है असेंबलर कन्वर्ट्स मशीन कोड टू असेंबली लैंग्वेज कोड और अदर अदर ऑप्शन कर देंगे तो असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ये काम असेंबलर का होता है जो कि एक हार्डवेयर नहीं है क्वेश्चन में यही पूछा गया था इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हार्डवेयर फिर से यही क्वेश्चन है प्रिंटर माउस और कीबोर्ड ये तो साफ साफ दिख रहे हैं हार्डवेयर है कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है और कंपाइलर जो है ये आपका सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो इसमें अगर आपको रिमाइंड रखना है कि कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं तो आप ये तो तीन हो ही गए प्रिंटर माउस की बोर्ड इसके अलावा मॉनिटर है स्कैनर है हार्ड ड्राइव है रैम भी जो आती है वो हार्डवेयर में आती है और सी पी यू है मदरबोर्ड है तो ये जो है हार्डवेयर हैं याद रखने के लिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर कोड जो रिटर्न होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अनादर लैंग्वेज में जबकि असेंबलर जो होता है असेंबलर अभी आपने देखा था असेंबलर का, का काम होता assembly language है असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट करना इंडेक्स होल किससे रिलेटेड है इंडेक्स होल फ्लॉपी डिस्क में किया जाता है फ्लाकी डिस्क जो होती है टाइप ऑफ डिस्क स्टोरेज है कम्पोज ऑफ इथिन एंड फ्लेक्सिबल डिस्क तो जैसे क्वेश्चन पूछा कि इंडेक्स होल रिलेटेड है तो फ्लापी डिस्क से रिलेटेड है ये लोकेशन मार्क करने के लिए क्रिएट किया जाता है स्मॉल होल पंच कर दिया जाता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफर्ड एज एन इंडिपेंडेंट सर्विस लेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग तो हार्डवेयर एज ए सर्विस इज नॉट ऑफर्ड जी इंडिपेंडेंट सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये वर्चुअलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज टू क्रिएट कन्फ्यूगर और कस्टमाइज अपलिकेशन वायर इंटरनेट कनेक्शन चार टाइप्स की होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कितने टाइप्स की होती हैं या विच वन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे भी पूछा जाता है तो प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड प्राइवेट क्लाउड्स पब्लिक क्लाउडिंग हाइब्रिड क्लाउडिंग या हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग और मल्टी क्लाउड कंप्यूटिंग तो चार तरीके की क्लाउड कंप्यूटिंग होती है और ये आपको याद रखना है इस पर क्वेश्चन बन सकता है ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ए कंप्यूटर्स बेसिक्स फंक्शन जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज ये दोनों क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं सी पी यू और ऑपरेटिंग सिस्टम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सी पी यू में तीन कंपोनेंट्स होते हैं एल यू बोलते हैं रजिस्टर सेट और कंट्रोल यूनिट तो ये याद रखिएगा नहीं सी पी यू एल यू में आपको डाउट बना रहे है सी पी यू स्टैंड चैट सी बात है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सी पी यू का फुल फॉर्म है एक्चुअली में है क्या अगर कंप्यूटर में आपके पास चार क्वेश्चन आएंगे तो दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग करने के साथ आपको जानकारी है इतने बेसिक होंगे और दो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए कभी कभी चारों सरल हो सकते हैं चारों कठिन आते नहीं हैं ये बात तो क्लियर मान लीजिए मतलब चार फिक्स नहीं है मतलब एक वो है कि कितने क्वेश्चन आएंगे जनरली आई सीच आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के हिसाब से आई सी को क्लासीफाई किया जाता है और एक मतलब इसमें दो नंबर होते हैं आई सी पे एक पार्ट नंबर होता है एक डेट कोड होता है तो यन वन इस तरीके से लिखा रहता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर के बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता आई सी को इसमें क्वेश्चन और एक चिप किसकी बनी होती है तो सिलिकॉन की बनी होती है शायद आगे क्वेश्चन हो सेलेरॉन पेंटियम एंड कोर सीरीज आर ऑफ ये जो क्वेश्चन हैं जो आपको क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये बैच के ही हैं और ये क्वेश्चन टेक्निकली उत्तराखंड में आए हुए हैं इसमें शायद ही एक आध ऐसा क्वेश्चन हो जो उत्तराखंड में ना आया हुआ हो तो वो कहीं ना कहीं यूके की ही किसी दूसरे एग्जाम में आया हुआ होगा सेलेरान पेंटियम और कोर सीरीज ये किसके हैं कंप्यूटर रैम की हैं या कंप्यूटर माइक्रोचिप्स की हैं कंप्यूटर प्रोसेसर की हैं तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर की हैं करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा इन्हें कंप्यूटर द परमानेंट मेमोरी इज कार्ड देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको वहाँ पे सब कुछ आने के बाद भी कन्फ्यूजन में डाल देते हैं परमानेंट मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी नॉन मेमोरी तो इसमें आपको कैसे याद रखना है ये याद रखने का तरीका हम बता दे रहे हैं कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये बोला है अब इसको कैसे भी आप याद रखिए हम तो ऐसे याद रखते हैं कि रोम में जो ओ आता है ओ के साथ नॉन में ओ आता है ऐसे इसलिए नॉन में जाएगा नॉन बोला में जाएगा तो परमानेंट में जाएगा और बोला में जाएगा तो टम्प्रेरी में जाएगा तमाम तरीके हो सकते हैं तो रोम जो है वो नॉन बोला है साथ में परमानेंट है और रैम जो है वो बोला टाइल है साथ में टम्परेरी है मतलब ये लॉस कर जाती है अगर पावर चली जाती है लैपटॉप और जो सिस्टम होता है ना कि अब लाइट गई तो अब कुछ नहीं कर सकते तो वो सेंस से आप समझिएगा तो रोम जो है रीड ऑनली है इट कैन नॉट बी चेंज इट इज परमानेंट एंड नॉन बोला टाइल ए मीन्स ऑफ स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ डाटा इन मेमोरी इज कॉल्ड अब आप कोई डाटा को लोकेट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसे आप एड्रेस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो एड्रेस कही जाएगी इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आर एम स्टैंड फॉर अब देखो ये तो बहुत सिंपल ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी और वही अगर रोम होती तो रीड ऑनली मेमोरी क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आए हैं बहुत बार आए हैं तो कहीं वहाँ कोई ऐसी गलती ना हो ताकि आपको निगेटिव मार्किंग मिले विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी मेमोरी रैम और अगर यहाँ रोम ऑप्शन होता तो बोथ ए एंड भी लिखा होता रैम और रोम दोनों यही प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स हैं मतलब प्राइमरी मेमोरी जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और ये डाटा को टम्परली सेव करती है सेकेंडरी मेमोरी जो होती है एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो डाटा को परमानेंटली सेव करती है डाटा इस्टोरस इन प्राइमरी मेमोरी कैन बी डायरेक्टली असिस्ड बाई दीपीओ विच कैन नॉट बी असिस्ड इन सेकेंडरी मेमोरी अब इसको अगर और अच्छे से समझना हो कि अगर आपके सामने आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्राइमरी मेमोरी या इज़ द प्राइमरी मेमोरी तो उसके लिए आपको सेकेंडरी मेमोरी में भी टाइप्स पता होने चाहिए मेमोरी के दो पार्ट हैं प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी में रैम रोम आते हैं सेकेंडरी में सी डी डी वी डी फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क अंडरस्टैंडिंग है, है फिर भी समझने के लिए हमने कन्फर्म कर दिया यू एस बी का फुल फॉर्म सबको लगभग पता ही होगा कभी कभी गलती कर जाते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस ये यूएसबी का फुल फॉर्म है द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज अब यहाँ पे गड़बड़ी ना करिए कंप्यूटर पोर्ट एक इंटरफेस या एक पॉइंट है जहाँ पे आपको कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स फेरी डिवाइस प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज फॉर कम्युनिकेशन कंप्यूटर पोर्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स एक सीरियल पोर्ट है एक पैरल पोर्ट है तो ये सीरियल और पैरल ये भी कम्पोर्ट्स के टाइप्स में पूछा जा सकता है तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा पासवर्ड इन कंप्यूटर्स प्रोटेक्ट्स आई ऑब्वियसली बात है कि अनथराइज एक्सेज ना हो पाए थ्रेट ना मिल पाए और चोरी ना हो पाए आपका डाटा ना हैक हो पाए दैट्स वही पासवर्ड इज़ यूज सबसे ज़्यादा अगर उत्तराखंड में पूछा गया तो ओ एम आर किसके लिए स्टैंडस करता है और ऑप्टिकल मार्क रीडर कहीं लिखा मिलेगा और कहीं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन दोनों का मतलब एक ही है तो ओ एम आर का काम क्या होता है प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डाटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट फ्रॉम सच एज सर्वे एंड टेस्ट कभी कभी ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डाटा आप जो टेस्ट देते हैं उसको तो वो एम आर ही होता है वो एम आर न लिख के ऐसे लिख सकते हैं आपको ये स्ट्राइक भी ना शायद थोड़ी देर के लिए करे कि वो एम आर यहाँ पर आएगा तो उसको गड़बड़ ना करिएगा ये कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस जो होगा वो आपको कंस्ट्रक्ट तो कुछ करेगा नहीं डिस्ट्रक्टिव करेगा तो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होगा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर द मोस्ट वाइडली यूज माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच डिजिटल वाच में इंबेडेड कंप्यूटर होते हैं इम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर मेमोरी इनपुट आउटपुट पेरीफेल डिवाइसेज ये सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है इसके बाद जब ऑफ द फॉलोइंग लेयर लेजर रे इज यूज इन लेजर प्रिंटर सेमी कंडक्टर लेजर यूज किया जाता है अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव इज पेन ड्राइव है रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट ये क्वेश्चन कभी कभी नहीं बहुत बार आपको कन्फ्यूज कर सकता है पेन ड्राइव है रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट अभी जब हम पढ़ रहे थे प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में तो उसमें हमने शायद पेन ड्राइव बोला था तो रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट रिमूवेबल से पकड़ में आ सकता है लेकिन वो बदल बदल के आपके सामने रख सकते हैं है ना रिमूवेबल ना लिख के ड्राइव तो भाई रिमूवेबल होती है माउस क्या है माउस इनपुट डिवाइस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन आउटपुट डिवाइस मॉनिटर प्रिंटर प्लाटर ये तो आउटपुट है माउस ही अभी हमने बात की इनपुट डिवाइस उसी से कनेक्ट हो जाता है ये क्वेश्चन द एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग एन आई सी इच ईजी रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्किट फेल्योर इनर्जी सेविंग हाई रिलायबिलिटी आल ऑफ देव सारे एडवांटेजेज हैं रिड्यूस कास्ट भी होता है वेरी स्मॉल वेट इजी रिप्लेसमेंट एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज इसके बाद अगला क्वेश्चन है टेक्निक यूज्ड बाय कोर्ट्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इन डिजिटल सिग्नल डिजिटल बीट स्ट्रीम इज नोन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहीं कहीं इसे पी भी बोलते हैं तो वही मतलब है द पावर ऑफ विच नंबर इज़ यूज इन बाइनरी सिस्टम तो दो टू की पावर ही तो यूज होती है उसमें द पावर ऑफ विच नंबर इज़ यूज इन द बाइनरी सिस्टम टू द बाइनरी नंबर इज ए नंबर एक्सप्रेस इन द बेस टू न्यूमरल सिस्टम है ना जीरो एंड वन ए डिवाइस डिजाइन टू रीड इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन टू ए स्मॉल प्लास्टिक कार्ड बैज रीडर बोलते हैं उसे बाइनरी नंबर्स नीड मोर प्लेसेज फॉर कंप्यूटिंग बिकॉज दे आर बाइनरी बेसिट स्मॉल तो ये थर्टी क्वेश्चन हमने आपके सामने कराए होपफफुली बेनिफिशियल होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग